गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन 8 रीड करेंगे। लेसन 8 है ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंस। जो ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। एंड इज़ द वर्ड दैट ज्वाइंस टू वर्ड्स। एंड वर्ड जो है वो दो वर्ड को जोड़ने का वर्ड है। सीधा एग्जांपल, द बॉय एंड द गर्ल आर वियरिंग हैट्स। तो यहाँ पर एंड बार बार ना वो करके कि द बॉय वियरिंग हैट्स, द गर्ल वियरिंग हैट्स, ऐसा ना करके द बॉय एंड द गर्ल आर वियरिंग हैट्स। तो एंड से जो है ये सेंटेंस जोड़ दिया गया है, दोनों एक साथ हो गए। लड़का और लड़की दोनों क्या पहने हुए हैं? हैट। रीड द पिक्चर स्टोरी। सोनू एंड मीता आर ब्रदर एंड सिस्टर। सोनू और मीता जो भाई बहन हैं, दे हैव टू पैट्स, ए कैट एंड ए डॉग, बोथ लव टू रीड एंड राइट। उनके पास दो पालतू जानवर है, एक कुत्ता और एक बिल्ली। वो दोनों जो है पढ़ने और लिखने दोनों से प्यार करते हैं। दे प्ले टुगेदर डे एंड नाइट, देयर मम्मी एंड डैडी लव देम। वो दोनों जो हैं एक साथ खेलते हैं, कौन? सोनू और मीता, और उनके मम्मी डैडी जो है उन दोनों को प्यार करते हैं। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी में से ही जो है इनके आंसर देने हैं। हु आर सोनू एंड मीता? सोनू और मीता कौन है? दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो एंड से जो है दोनों को जोड़ दिया ना, बार बार ये नहीं हुआ कि दे आर कि सोनू इज ए ब्रदर और मीता इज ए सिस्टर, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों में एंड लगा करके वो दोनों जो है भाई बहन हैं। नेम द टू पैट्स ऑफ सोनू एंड मीता। सोनू और मीता के पालतू जानवरों का नाम क्या है? ए कैट एंड ए डॉग। हु लव सोनू एंड मीता? सोनू और मीता को कौन प्यार करता है? देयर मम्मी एंड डैडी लव देम। बी नंबर का है, ज्वाइन द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी गिवन अबव। ब्रदर के साथ में सिस्टर, कैट के साथ डॉग, रीड के साथ राइट, डैडी के साथ डे के साथ नाइट, मम्मी के साथ डैडी। ज्वाइन द सेंटेंस बिलो यूजिंग एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। इनमें एंड वर्ड का यूज करके और सेंटेंस को ज्वाइन करना है, जोड़ना है। द एंट हेल्प द पिजन। चींटी ने किसकी? कबूतर की मदद की। इट ऑल्सो हेल्प द डव, और उसने डव की भी हेल्प की। तो हम ये बार बार ना करके कैसे लिखेंगे? द एंट हेल्प द पिजन एंड डव। टू नंबर पे है, आई लाइक कार, आई ऑल्सो लाइक एरोप्लेन। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए हमने एंड लगाया, आई लाइक कार एंड एरोप्लेन। ऐसे ही थर्ड नंबर का है, अनीता फेल डाउन, शी हर्ट हर फीट। अनीता नीचे गिर गई, उसके पैर में चोट लग गई, ऐसा ना करके अनीता फेल डाउन एंड हर्ट हर फीट, और उसके पैर में लग गई। मोनू हैज ए पेट रैबिट, ही ऑल्सो हैज वन स्क्वायरल। कि मोनू के पास एक जो है रैबिट है और उसके पास एक गिलहरी भी है। तो ऐसा ना लिख के मोनू हैज ए पेट रैबिट एंड वन स्क्वायरल। मोनू के पास एक खरगोश है और एक गिलहरी है। गीता हैज़ रेड शूज, सी ऑल्सो हैज़ ब्लू शूज। गीता के पास लाल जूते हैं, उसके पास नीले भी हैं। तो ऐसा ना करके गीता हैज़ रेड शूज एंड ब्लू शूज। अब है पेज नंबर 78। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। इनमें से हमें जो है चूज करना है।
सुटेबल वर्ड के साथ, फादर एंड मदर, टीचर एंड स्टूडेंट, द मून एंड द स्टार, फूड एंड ड्रिंक, एयर एंड वाटर। अब पिक्चर देख करके हमें राइट व्हाट यू सी इन पिक्चर यूजिंग द वर्ड एंड, एंड लगा करके दोनों को बताना है कि पिक्चर में कौन है। तो ए डॉग एंड ए कैट, ए रोज एंड ए बटरफ्लाई, ए बस एंड ए कार, ए स्नैक एंड ए फ्रॉग। यूज द वर्ड एंड टू पुट सेंटेंस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग हैज़ ए बॉल, द डॉग हैज़ ए बॉन। तो ये बार बार दो दो जो है सेंटेंस है इनको एक करना है एंड लगा करके। द डॉग हैज़ ए बॉल एंड ए बॉन, कि डॉग कुत्ते के पास बॉल है और एक हड्डी है। ऐसे ही इनको करना है। द बर्ड मेड ए नेस्ट, द बर्ड लेड द एग। तो द बर्ड मेड ए नेस्ट एंड लेड एग। माई मॉम सिट्स डाउन, माई मॉम वॉच टी वी, माई मॉम सिट्स डाउन एंड वॉच टी वी। आई सा ए फ्रॉग, आई सा ए टॉर्टोइज। तो आई सा ए फ्रॉग एंड ए टॉर्टोइज। डैड यूज ए हैमर, डैड यूज ए ड्रिल। तो डैड यूज ए हैमर एंड ए ड्रिल। तो ये एंड लगा करके सेंटेंस छोटा भी हो जाता है और बार बार एक ही वर्ड का यूज नहीं किया जाता। सभी बच्चे अच्छे से फील करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस।